नमस्कार मेरे भाइयों, ये ओप्पो A15 है। ये देखो, इसमें प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी आ गई है चार्जिंग जैक की। अब चार्जिंग जैक की कंडीशन तो ठीक लग रही है मुझे इसकी। फ़ोन वारंटी में भी है, कस्टमर जो है सर्विस सेंटर नहीं जाना चाहता। रीज़न ये है कि जल्दी में फ़ोन चाहिए, वहाँ थोड़ा टाइम लगा देते हैं। तो अब मेरे को रिपेयरिंग के लिए लिया है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप भी ठीक करो तो कैसे करो। सबसे पहले तो हमारा जो ब्रश है ख़राब से, इसे ट्राई कर लेना कि हमारा जो है, अभी सिम भी लगी हुई है इसके अंदर, और ये आपको दिखाता हूँ। देखिए, चार्जिंग पे लगा रखा हमने पर चार्ज नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर ऐसी प्रॉब्लम आए आपके साथ तो ख़राब जो है ब्रश को एक बार चेक साफ़ कर लें, ठीक है। बहुत बार होता था इसकी चल जाता है, पर इसमें इतनी जल्दी कैसे प्रॉब्लम आई मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। कैसे यूज़ करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। 10 बार हमें 10 बार नहीं लगाना चाहिए फ़ोन को चार्जिंग पे, कम से कम 2 बार दिन में। और हमारी जो बैटरी 90 से ऊपर जाए तभी निकालें, और 20% के आसपास आए तो तब चार्जिंग पे लगाएं, ठीक है। ये थोड़ी छोटी मोटी बातों का ध्यान रखें तो जल्दी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों, इसे हम खोल लेते हैं। खोलने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, या तो कोई वीडियो देख लेना, या तो मैंने अभी खोला नहीं है ये। खोल लेता हूँ मैं इसे। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो है फ़ोन खुल चुका है, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लग गया। तो दोस्तों, ये पहले खुल चुका फ़ोन है, क्योंकि मैंने जो है गम देख के मुझे लगा कि हाँ भाई पहले से खुला हुआ है। तो उसके आराम से कनेक्टर निकाल लेना, ठीक है। फिर हम निकाल के देखते हैं कि क्या, किस कारण, किस रीज़न से ये खुला था। जैक तो ठीक लग रहा है मुझे इसका। तो फिर चार्ज क्यों नहीं हो रहा है, एक बार देखते हैं इसे। पर पहले खुला क्यों था ये तो हम कह नहीं सकते। चलो, एक बार हम जो है चार्जर को लगाते हैं इसके अंदर। दोस्तों, इन वालों जैकों में जल्दी से प्रिंट उखड़ने की थोड़ी सी वो नहीं होती, देखो। और दूसरा ये कि अगर आप जैक या पत्ता चेंज कराते हो, या पत्ता चेंज कराते हो, या जैक आप चेंज कराते हो, बेटर कौन सा रहेगा? अगर काम अच्छा करवाते हो तो जैक चेंज करना बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आपका ये ओरिजिनल रहता है, ठीक है। और जो है आपका वो कॉपी होता है, मैं आपको बता दूं, जो आप बाहर से डलवाते हो वो कॉपी होता है, ओरिजिनल नहीं होता है। इसमें देखो वैल्यू नहीं आ रही है। तो मतलब हमारे जैक में है, प्रॉब्लम है जैक में। एक बार देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर। प्लस माइनस, तो दोस्तों इसमें वोल्टेज आ रही है पर हमारा फोन ऑन नहीं हो पा रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ जैक, तो हर कोई देखो
पत्ता, इसका पत्ता हर कोई चेंज कर लेता है, ठीक है, ये पत्ता आप भी चेंज कर लोगे, ठीक है, पर जो है जैक निकाल के लगाना अच्छे से, क्योंकि माइक की जो है माइक में प्रॉब्लम आने के भी चांस होते हैं, हीट, अगर आप हीट वगैरह थोड़ा होता है। ओरिजिनल पत्ता अगर आप रिपेयर करते हो तो इससे बढ़कर कुछ नहीं है, पत्ता तो हर कोई चेंज कर लेगा, हर कोई चेंज करवा लेता, हाँ भाई हमने पत्ता चेंज कराया, पर देखो वैल्यू जो है आपके ओरिजिनल पत्ते की है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर अच्छा काम होता है तो पत्ता जो है चेंज ना कराएं, सिर्फ जैक चेंज कराएं अगर अच्छा काम होता है तो, ठीक है। और बाकी मैं कह नहीं सकता, ये 200-250 रुपये चार्ज लगता है इनका, और सारी बात होती है कुछ दुकानदार की भी, दुकानदार कैसा है तो दुकानदार के भी हिसाब से भी रेट होता है, ठीक है। और देखो इसमें वैल्यू जो है वोल्टेज आ रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ, तब भी हमारा जो है चार्ज नहीं हो रहा है, ये देखिए फुल आ रहा करंट, देख रहे हो, तो फुल करंट आने के बाद भी पहुँच नहीं रहा। देखो जैक तो कोई चेंज कर लेगा पता, तो अब हमें ट्रेस करना पड़ेगा थोड़ा सा कि क्या पंगा है जो कि करंट आगे तक नहीं पहुँच रहा है, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, देखो वोल्टेज पूरी आ रही है, फिर भी हमारा देखो फोन चार्ज नहीं हो रहा, रीजन देखते हैं हम क्यों नहीं हो रहा है, यार दोबारा से निकाल के लगा के देखते हैं एक बार कि भाई क्या पंगा है जो कि हमारा चार्ज नहीं हो रहा है। पत्ते को लगा लेते हैं, तो भाई अभी दिखाता हूँ मैं आपको, वोल्टेज आ रही है यहाँ पे, हमें देखना पड़ेगा हमारे इस पत्ते पे आ रही है ऊपर नहीं आ रही है बस, ठीक है, तो शायद इसी कारण हमारा जो है चार्ज नहीं हो रहा है। यहाँ तक हमारी वोल्टेज आ रही है, देखो आपको दिखाता हूँ, यहाँ तक हमारी वोल्टेज आ रही है, और इसको पत्ते को हटाता हूँ मैं, बैटरी कनेक्टर को निकाल लेता हूँ, इसके बाद हमारी यहाँ आएगी, यहाँ पे ये देखिए, ठीक है, ग्राउंड से आप कहीं से भी चेक कर सकते हो, ये वोल्टेज आ रही है हमारी, कहाँ पे आ रही है ये भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों आप अच्छे से देखें और कुछ समझें, हमारा प्लस का पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा पास से दिखाता हूँ मैं आपको, ये हमारा प्लस है, ठीक है, यहाँ पे हमारी वोल्टेज आएगी, चाहे ये मान लो पूरा ये, ठीक है, ये दिख रहे हो आपको, यहीं पे आपको वोल्टेज निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए तो थोड़ा सा जूम हटा के आपको वोल्टेज दिखाता हूँ कि ग्राउंड पे आप कहीं भी रख सकते हो जहाँ ग्राउंड बीप करे, ठीक है। अब देखिए ये देखिए वोल्टेज आ रही है, प्रॉपर वोल्टेज आ रही है प्रॉपर, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, हमारी ये वोल्टेज यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, शायद इसी कारण, कंफर्म नहीं हूँ मैं, अभी चेक करता हूँ, ठीक है। अब मैं पत्ते को लगा लेता हूँ, पत्तों को लगाने के बाद यहाँ से हटाता हूँ पत्ते को ऊपर से, ठीक है। अब जो मुझे लग रहा है देखते हैं कि किस कारण, देखो यहां तक वोल्टेज आ रही है, आपको दिखाता हूँ,
तो दोस्तों मुझे पता क्या लग रहा है किस कारण हमारा जो है चार्ज नहीं हो रहा। ये देखिए यहाँ पे देखो, थोड़ा पास से दिखाता हूँ, देखो यहाँ देखो, ये तो हमारा ग्राउंड है, ठीक है, ये हमारा ग्राउंड है। यहाँ पे देखो ब्लैक ब्लैक है, तो यहाँ की जो है पत्ती शायद हटी पड़ी है, ये देखिए। और थोड़ा शोर आ रहा है, उसे माफ़ करना। यहाँ पे जो है बस देखो, ये देखिए यहाँ पे देखो, देख पा रहे हो आप, यहाँ की जो है वो नहीं है, जिससे कि कनेक्ट नहीं हो पा रहा और जिससे कि हमारा ये चार्ज नहीं हो पा रहा है। तो अब हमें या तो जम्पर करना पड़ेगा, आपको वोल्टेज भी दिखा देता हूँ, देखो कि वोल्टेज यहाँ तक आ रही है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ आगे जंपर क्या करना, ठीक है, रुक जाओ मैं अभी एक बार देख लेता हूँ आपके साथ साथ। मैंने भी जो है इसमें फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ इसके ऊपर, देखो हमें जंपर करना है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक जंपर कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। हमारा ये प्लस पॉइंट है, ये आपको दिखा देता हूँ, पे जम्पर करना है। पर ये प्रॉब्लम कैसे आई मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमें यहाँ पे जम्पर करना है, ये पॉइंट दिखाता हूँ आपको। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि देखो यहाँ वोल्टेज आ रही है आपकी, ये प्लस है हमारा, ये वाला प्लस है, ठीक है, इस पॉइंट पर आती है वोल्टेज, ये हमारा ग्राउंड है, ये सारे हमारे ग्राउंड है आपको। पर मेरे ख्याल से यहाँ पे ग्राउंड का ऑप्शन नहीं है, इस पे जो ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड आप यहाँ से ले लेना, यहाँ से लेना, चाहे इस पत्ते से ले लेना, कहीं से भी आप ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ फिर भी, ठीक है, देखो अगर वोल्टेज यहाँ पे देखो, ग्राउंड लेके देखो वोल्टेज आ रही है, ग्राउंड यहाँ से ले लेना, ये रहा हमारा प्लस, ठीक है। हमारा जैसे हम चार्जर सीधा लगाते हैं ना, सीधा लगाते हैं तो राइट वाली जो पिन होती है, पाँच पिन होती है, तो राइट वाली हमारी जो है वोल्टेज की है प्लस की, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी वोल्टेज आ रही है, यहाँ भी आ रही है, ठीक है, अंदर अंदर भी आ रही है, पत्ते में भी आ रही है, पर हमारी यहाँ पे नहीं आ रही है। एक बार और चेक करते हैं, ये देखिए यहाँ वोल्टेज आ नहीं रही है हमारी, समझ रहे हो, वोल्ट ये देखिए भाइयों, मैंने जम्पर कहाँ से किया है, इस कैपेसिटर से किया है, ये देखिए, ठीक है, इस कैपेसिटर से किया है जम्पर, इस कैपेसिटर से यहाँ पे, ठीक है, देख पा रहे हो आप। और थोड़ा आपको यहाँ से लेना है, इस साइड से घुमा के, क्योंकि जो है हमारी जो ये डिब्बी लगेगी, देखिए ये डिब्बी जो लगेगी, यहाँ सामने से आप लोगे तो टूटे ना वायर, तो इसलिए थोड़ा साइड में से यहाँ से ऐसे लेके ऐसे ले जाना है। अब मैं हम चेक करते हैं कि हाँ भैया हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है नहीं हुई है, ठीक है। तो ले प्रभु का नाम, जय श्री राम, और हो जा चार्ज, ठीक है।
दोस्तों खुशी मनाओ। ये देखिए हमारा फ़ोन, देखो प्रॉब्लम देखो सॉल्व हो गया एक जंपर से। ये कहीं खुला हुआ है फ़ोन, अब पता नहीं उससे हुआ नहीं हुआ, क्या कराया था क्या नहीं। चार्जिंग जैक तो चेंज नहीं हो रखा है, फिर भी देखिए। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो धन्यवाद, और आप हमें सपोर्ट करें क्योंकि हम और भी अच्छी वीडियो लाएंगे, तो सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपसे ही हमारा जो है चैनल चल रहा है। तो दोस्तों हमारा देखो जंपर से जो है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आपको करना क्या क्या है, यहाँ से यहाँ चेक करना, इस पर चेक करना, यहाँ पर चेक करना, इस कैपेसिटर पर, कैपेसिटर के बाद जो कनेक्टर हटाने के बाद, कनेक्टर हटाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। कनेक्टर हटाने के बाद आपको चेक करना है इस वाले पे, ये देखिए यहीं पे चेक करना है बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चेक करने के बाद आपको चेक करना है वोल्टेज, अगर यहाँ पे भी ना आए तो यहाँ पे चेक कर लेना। ये देखो ये हटा पड़ा है, ये देखिए ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको, यहाँ देखो यहाँ ठीक है, यहाँ ये हटा पड़ा है, इसी वजह से शायद यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही है। और तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अभी तक आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो बहुत 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 धन्यवाद आपका।